हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुक एक्स वाई जेड फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बची हुई रोटी से नाश्ता बनाना बताऊंगी, जिसे पोहा कहते हैं। तीन चार रोटियां मेरे पास बच गई हैं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इससे मैं पोहा बनाऊंगी। आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। पहले मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूंगी। मैंने मिक्सी में डाल लिया है जार में। अब इसको ग्राइंड करके लाती हूँ। मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। आप देख पा रहे हैं इतना बारीक पीस के। देखिए इसमें सामान क्या क्या लगता है, मैं बताती हूँ। लहसुन अदरक मैंने कूट के रख लिया है, प्याज, हरी मिर्च, नमक, जीरा, जवाइन, राई, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और करी पत्ता। मैं पैन रखती हूँ। तेल मैंने इसमें डालूंगी, तेल डाल लिया है क्योंकि मेरा चम्मच बड़ा है। तेल मेरा गरम हो गया है, मैं इसमें डालती हूँ सबसे पहले राई। राई मेरा चटक गया है। अब जीरे को डालती हूँ, फिर जवाइन डालती हूँ, सब चटक जाए फिर इसमें डालती हूँ इसमें लहसुन अदरक का जो कूच के रखी हूँ उसको डालती हूँ, चला लेती हूँ। फिर मैं हरी मिर्च डालती हूँ, करी पत्ते को सबसे बाद में डालना है क्योंकि ये तुरंत हो जाएगा। अब सब चीज मेरा देखिए सुनहरा हो गया है। मैंने इसमें हल्दी डाल दिया और धनिया पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला। गरम मसाला कम ही डालेगा, छोटे चम्मच से, एक चम्मच। मेरा मसाला भी भून गया, मैं पोहे को डाल दी। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसका स्वाद दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं इसको इसमें दोस्तों हल्का से पानी के छींटे मारते हैं क्योंकि रोटी जो है तो टाइट हो जाएगी बहुत, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर ऐसे ढक देना है। दो मिनट हो गया है मेरा, अब इसको मैं खोल लेती हूँ।
बार चला के इसमें नमक डालती हूँ, स्वाद के अनुसार डालिएगा आप। मेरा चम्मच छोटा है इसलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिला देते हैं। दोस्तों अब इसको ज्यादा देर नहीं लगेगा पकने में, वैसे तुरंत हो जाता है। गैस ऑफ करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बची हुई रोटी का पोहा बनकर तैयार हो गया है। आप भी बची हुई रोटी से स्वादिष्ट पोहा रेसिपी जरूर बनाएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, मिलते हैं आगे वीडियो में।